हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को बताऊँ केसिंग कैपिंग वायरिंग कैसे करते हैं। ये अपनी केसिंग है, नीचे लगाते हैं, और ये अपनी कैपिंग है, ऊपर इस तरीके से लगाते हैं ऊपर से, और ये पूरा कंप्लीट केसिंग कैपिंग है ये वाली। इसकी अपन वायरिंग करेंगे, इधर अपन एक स्विच एक सॉकेट के वायरिंग करेंगे, केसिंग कैपिंग पॉइंट बनाएंगे। ये अपना एक स्विच एक सॉकेट से गेन बॉक्स है कंप्लीट, इसको अपन लगाएंगे, इसको अपन पॉइंट बनाना है केसिंग कैपिंग से। ये अपने चाइना क्लिप है, इससे अपन केसिंग कैपिंग ठोकेंगे अपनी। ये अपन केसिंग ठोकना है चाइना क्लिप से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चाइना क्लिप से अपन को केसिंग ठोकना है, ताकि कहीं से निकले नहीं, उठे बिल्कुल टूटे भी नहीं कहीं से ठोकने में। इस बात का भी ध्यान रखें बिल्कुल टाइट हो केसिंग ठोकते में, हाथ में भी नहीं लगे, इसका भी ध्यान रखें, पूरी सेफ्टी से ठोकें, और पूरा सही तरीके से अपन इसको ठोकना है, ताकि कहीं से निकले नहीं। अच्छे से बिल्कुल ठोक लेंगे अपन, बिल्कुल टाइट इसको अपने ठोकना। अब इसके बाद अपन गेन बॉक्स को काटने के लिए निशान ले लेंगे, सीधा रख के इधर से अपन ये अपन गेन बॉक्स काट लेंगे इधर से ऊपर से, ताकि इसमें तो वायर निकल जाए। अभी अपन काट के लगा लेंगे तो वायर डालने में अपन को आसानी रहेगी। इसको अपन काट रहे हैं ताकि आराम से वायर निकल जाए, अपन पॉइंट बनाएंगे। तो ये अपन इसको चाइना क्लिप से ठोक लेंगे अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चाइना क्लिप से अच्छे से ठोक लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से, ताकि मजबूती आएगी बिल्कुल, वो जल्दी भी काम हो जाएगा। चाइना क्लिप से ठोकना है अच्छे से, बिल्कुल सही तरीके से ये अपन ठोकना है इसके अंदर, बिल्कुल सही तरीके से ठोक। ये अपन चाइना क्लिप से बिल्कुल मजबूती आ रही है, इस तरीके से अपन ने पूरा ठोक दिया, वो जल्दी भी काम हो रहा है सही। ये अपना मैंने 5-6 लगा दी इसके अंदर चाइने के लिए, ताकि निकले नहीं। अब इसकी लूपिंग कर लेंगे एक स्विच एक सॉकेट की, एक ये वाला टर्मिनल सॉकेट के एल वाले उसमें लगा लेंगे, जिसमें लगा दिया अपन ने सॉकेट के एल वाले हिस्से में ये अपन ने लगा दिया वायर, और दूसरा वाला सिरा जो है ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देंगे, ये अपन ने लगा दी इसमें, टाइट कर लेंगे अच्छे से, आगे लूज कनेक्शन नहीं रहे। एसी इसमें दो वायर निकालेंगे बॉक्स गेंग बॉक्स में, तो दो वायर अपन ने निकाल दिए, रेड और ब्लैक। रेड जो है फेज है और ब्लैक जो है न्यूट्रल है, उसको अपन इसमें कनेक्ट कर लेंगे अपना गेंग एक स्विच एक सॉकेट में। ब्लैक वाला जो है अपन न्यूट्रल में लगाएंगे, जहाँ एन बना हो सॉकेट के उसमें लगाएंगे ब्लैक वाला, ये अपन ने लगा दिया अच्छे से, बिल्कुल टाइट करना है, कर लेंगे इसको। और जो रेड वाला है सॉकेट के इधर वाला टर्मिनल जो खराब नीचे वाले टर्मिनल है उसमें लगा देंगे, अले को इसमें लगा दिया अपन ने अच्छे से। अब इसको अपन टाइट कर लेंगे स्क्रू से बिल्कुल अच्छे से, इसको अपन ने पूरे 4 स्क्रू लगा कर इसको सही से अपन टाइट कर लेंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से। ये अपन टाइट कर लेते हैं, ये अपन स्क्रू से पूरा टाइट हो जाएगा, उसके बाद अपन इससे कनेक्शन करेंगे। जब अपना टाइट हो गया, अब इसके वायर काटना है अपन को, नाप कर काट लेंगे। ये काट लिया अपन ने वायर, काटने का इसके फिर इसके कनेक्शन करेंगे। पहले तो न्यूट्रल जोड़ लेंगे इसका, ये न्यूट्रल है, इसको अपन जोड़ लेते हैं टाइट कनेक्शन। एन वाले हिस्से में इधर भी लगा देंगे इसको, डायरेक्ट लगाना है अपन एन वाले हिस्से में लगा देंगे इसको, सॉकेट का एन जो बना हुआ है उसमें अपन लगा देंगे सही से, पूरे न्यूट्रल ब्लैक उतरे होंगे, इसको एक करके अपन ने लगा दिया इसमें। ये अपन इसे कनेक्शन टाइट कर लेंगे बिल्कुल सही तरीके से, ताकि लूज नहीं रहे बिल्कुल अच्छे से। ये अपन निकल, अब इसका फेज जोड़ लेंगे, रेड वाला वायर जो अपन फेज बनाया था, ये इसकी चालू लाइन है, अपन इसको फेज में जोड़ लेंगे। नीचे फेज है इसके, अपन उसमें फेज जोड़ लेंगे, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं अपन इसको। ये अपन ने जोड़ लिया फेज में, अब इसका केपिंग लगा देंगे, इसका कवर काट के अपन नाप के जैसे काट लिया अपन ने। अब इसको सही तरीके से बिल्कुल स्लाइड करके बिल्कुल अच्छे से इसका अपन कवर
केपिंग लगाएंगे इसकी, इसका कवर लगाएंगे अपन, ये लगा रहे हैं। वायरिंग करते हुए अपन को ये भी ध्यान रखना चाहिए, अपन जो वायरिंग कर रहे हैं वो काम अपना अच्छा भी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से बैठा होने, सही तरीके से लगा होना चाहिए, कहीं से उठ नहीं रही हो अपनी वायरिंग, कहीं तरीके से बेकार नहीं लगे दिखने में, ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। सही तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से अपना काम होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कहीं से कोई चीज़ नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल ये मैं लगा रहा हूँ सही तरीके से बिठाओ, इस तरीके से अपन बिठा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से अपना फिनिशिंग से, ये देखिए पूरा सही तरीके से मैंने लगाया इसको। अब इसके कस रहा हूँ, इसकी जो सीट है पूरी अपने खोली थी इसको वापस कर देते हैं, ये अपन कस रहा है, ये कसने के साथ साथ अपना 5 एम्पियर पूरा केसिंग कैपिंग जो वायरिंग अपने कंप्लीट हो गई है, पॉइंट बनाया था अपन ने 5 एम्पियर केसिंग कैपिंग से, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये अपना, ये अपन लाइट जल रही है बन रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।